हमारे बॉलीवुड के हीमान धर्मेंद्र पाजी बिल्कुल ठीक हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो अपने घर में मौज मस्ती कर रहे हैं। तो अब डरने घबराने की जरूरत नहीं है और सोशल मीडिया पर बार बार उनसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र पाजी ने खुद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल दिया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र जी अपने सोफे में आराम से बैठे हुए मरून कलर की शर्ट, ब्लू कलर के जीन्स और ब्लैक कलर के हैट में वो काफी डैशिंग लग रहे हैं। इस वीडियो को उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि खबरें थी कि धर्मेंद्र जी बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और इन खबरों पर ब्रेक लगाने के लिए धर्मेंद्र जी ने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में धर्मेंद्र जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोस्तों, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, देन लाइफ विल बी पॉजिटिव। और खबरों का क्या है, उड़ती उड़ती खबरें तो आती ही रहती है। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीमार हूं। और आपने तो मेरा एक गाना सुना ही होगा, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो, इसलिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। धर्मेंद्र जी का ये वीडियो देखकर किसी के भी चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी। और धर्मेंद्र जी ने ये जो अफवाहें थी उस पर भी अब ब्रेक लगा दिया है और उनको देखकर आप भी समझ जाएंगे कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि धर्मेंद्र जी कुछ दिनों से बीमार थे। मई 2022 को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था क्योंकि एक एक्सरसाइज करते दौरान उनको एक इंजरी हो गई थी, जिसके बाद धर्मेंद्र पाजी जैसे ही 3-4 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो उन्होंने एक मैसेज भी जारी कर दिया था। इस मैसेज में उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए और अपने फैंस को ये हिदायत भी दे दी थी। और उसके बाद भी बार बार ये खबरें आ रही थी, तो अब देखिए धर्मेंद्र जी ने खुद क्लियर आउट कर दिया है कि मैं एकदम मस्त हूं और दोस्तों आप भी मस्त रहिए, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र पाजी के इस वीडियो पर उनके फैंस तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और उनके लिए काफी खुश भी हैं। साथ ही अगर वर्क फ्रंट के बारे में बात करें तो धर्मेंद्र जी जल्द ही करण जौहर डायरेक्टेड फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में कई सालों बाद उनके साथ उनकी बसंती यानी कि हेमा मालिनी जी भी नजर आने वाली है, तो इस फिल्म में कुछ तो एक्साइटिंग नजर ही आएगा। धर्मेंद्र जी के लिए अगर आपके पास कोई मैसेज है तो हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।